श्री कृष्ण भजन सांवरा से धूम मचाने वाले बिलासपुर के भजन गायक अभिषेक सोनी की फकीरी भजन रिलीज हो गया है। पराग्य पर समर्पण भाव से ओतप्रोत इस भजन का विमोचन उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने किया। बचत भवन में उपायुक्त ने सर्वप्रथम भजन का पोस्टर लॉन्च किया। इसके बाद भजन को कुदरत स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। इस भजन को अभिषेक सोनी ने खुद लिखा है और इसकी धुन भी उन्होंने स्वयं तैयार की है। श्री कृष्ण भजन सांबरा से धूम मचाने वाले बिलासपुर के भजन गायक अभिषेक सोनी का फकीरी भजन रिलीज हो गया है। वैराग्य व समर्पण भाव से ओतप्रोत इस भजन का विमोचन उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने किया। बचत भवन में उपायुक्त ने सर्वप्रथम भजन का पोस्टर लॉन्च किया। इसके बाद भजन को कुदरत स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। इस भजन को अभिषेक सोनी ने खुद लिखा है और इसकी धुन भी उन्होंने स्वयं तैयार की है। बिलासपुर के कुदरत स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए इस भजन का म्यूजिक युवा संगीत निर्देशक प्रत्युष उत्कर्ष शर्मा ने तैयार किया है। युवा निर्देशक अभिषेक डोगरा ने निर्देशन में तैयार किए इस भजन को बछरेटू किला खबड़ी माता मंदिर बल सिन्हा जंगल में शूट किया गया है। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने पूरी टीम को बधाई दी। वे संगीतकार हैं और जिनका प्रदर्शन मुझे पीछे कला उत्सव में जुखाला डाइट में देखने को भी मिला था। उन्होंने मुझे बताया गया कि सारा जो म्यूजिक है कंपोज किया, ओरिजिनल म्यूजिक है, और लिरिसिस्ट और कंपोजर हमारे अभिषेक जी हैं। इनके विषय में भी हमने काफी सुना है और पीछे बल्कि जब मैं यहाँ आया तो एक दो बार मैंने न्यूज में पढ़ा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे भजन गायक हैं। तो जब पीछे पता चला कि अभिषेक जी हैं तो इनसे हमने अनुरोध किया कि नैना देवी जी में और मार्कंडे टेंपल में भी नववर्ष की पूर्व संध्या पे ये भजन जो है वहां पर संध्या ऑर्गेनाइज करें, और 1 जनवरी को इसे लॉन्च किया जाना था परंतु उस दिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाया। और आज जो है हमारा लोहड़ी के शुभ अवसर पर ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरा ख्याल है बिलासपुर को और प्रदेश को। और जैसे अभी हमने ये एल्बम देखी, बहुत ही सुंदर म्यूजिक, और हमारे जो धरोहर है हमारी बिलासपुर जिला की, और बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य, खासकर बछरेटू किला, गोविंद सागर, बल सिन्हा, वहाँ का मन सरोवर और हमारी सीर खड, ये सब है उसमें ये फिल्माया गया है। और बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर रेंडिशन, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और साथ में हमारे जितने उभरते कलाकार और यहाँ पर हमारे शहर के प्रेस क्लब के अध्यक्ष, सभी सदस्यगण, हमारे उच्चाधिकारीगण और हमारे जो कला क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे जितने यहाँ नागरिक हैं, आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगा इस विषय में। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सोनी जी को का कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। हम भी रादर इसको रिलीज करते हुए हम खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। आपको बता दे चले कि इससे पहले भजन गायक अभिषेक सोनी के सांबरा, उड़दिया पंछिया व माता रानी तू है बड़ी प्यारी आदि भजन रिलीज हो चुके हैं। साथ ही अभिषेक सोनी लंबे समय से रंगमंच से जुड़े हुए हैं और कई टीवी सीरियलों व फिल्मों में काम कर चुके हैं। फकीरी भजन रिलीज हुआ है और इसको कुदर स्टूडियो के बैनर तले रिलीज किया गया है, जिसे DC बिलासपुर श्री राजेश्वर गोयल जी ने रिलीज किया। इस भजन को मैंने खुद लिखा है और इसको कंपोज भी किया है, और इसका म्यूजिक जो है वो उत्कर्ष और प्रत्युष हमारे गुरुजी अनूप शर्मा जी के बच्चे हैं, और बहुत छोटी उम्र उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से म्यूजिक तैयार किया। और हमारी जो शूटिंग हुई है इस भजन की वो यहीं बिलासपुर में ही हुई है, बछरेटू किला में, और इसके अलावा बलसिन्हा जंगल में। और हमारी कोशिश रहेगी कि अपने भजनों के माध्यम से हम बिलासपुर की जो धरोहर है, बिलासपुर के जो अच्छी अच्छी जगहें हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, कि जहां हम भी प्रमोट हों लेकिन हमारे साथ साथ हमारे भजन के माध्यम से बिलासपुर की जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो भी देश दुनिया तक पहुंचे। इसी कोशिश से हम लगातार आगे भी प्रयास करेंगे। और इससे पहले जो हमारे भजन आए थे उन्हें भी हमने बिलासपुर में ही शूट किया था और बिलासपुर की काफ़ी खूबसूरती उसमें दिखाने की कोशिश की थी। इस अवसर पर AC to DC सिद्धार्थ आचार्य, तहसीलदार जय गोपाल शर्मा, संगीत प्रवक्ता अनूप शर्मा, सुशील पुंडीर, प्रत्युष शर्मा, उत्कर्ष शर्मा, जावेद इकबाल, महेश बंसल, राघव शर्मा, ईशान गौतम, राम हरि आदि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, पर कहीं जाइएगा मत क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बस ड्राइवर का एक ऐसा वीडियो जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इसमें खास बात क्या है ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।